नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 अप्रैल तक की होगी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देखते हैं आपका हेल्थ। हेल्थ में आया डेथ का कार्ड। मुझे लगता है हेल्थ को लेके आप बहुत दिनों से परेशान थे, दुखी थे, आपको लग रहा था कि ये हेल्थ मुझे परेशान कर रहा है, तो उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। हो सकता है आपका जो हेल्थ को लेके जो दुश्चिंताएं थी, परेशानी थी, वो इन दिनों ख़त्म हो सकता है। हेल्थ को लेके आपको परेशानी से मुझे लगता है कि मुक्ति मिल सकते हैं और हेल्थ में सुधार भी आएंगे। अभी देखते हैं आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ सोर्स, अचानक से आपके फिनेंशियल स्टेटस में कोई बढ़ोतरी हो सकता है। हो सकता है अचानक से कहीं से आपको पैसा मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर कहीं से कोई गुड न्यूज़ आ जाए पैसों को लेके, तो अचानक से आपके फिनेंशियल स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। फिनेंशियल स्टेटस को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अचानक होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मतलब फिनेंशियल स्टेटस में एक सर्टेन कोई चेंजेस आएगी और वो पॉजिटिव भी होगा। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट है, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है आपको थोड़ा परेशानी होगी, आपका दिल दुखा हुआ रहेगा। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब वगैरह भी ढूंढ रहे हो सकता है आपको इन दिनों थोड़ी परेशानी हो, इसके कारण आपका दिल दुखा हुआ रहे। या फिर अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो पढ़ाई के साथ साथ, तो उसके कारण भी आपका दिल दुखा हुआ रह सकता है, मन खराब हो सकता है। और किसी किसी के लिए छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है, कोई थोड़ा डिप्रेशन में जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, समझदारी से काम को निपटाइए, रिश्ते को निपटाइए और दिल को मजबूत कीजिए। हर बात में दुखी होना सही नहीं है। अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी ऐसे जॉब में हो जहां पैसों की लेन देन होता हो, बैंक टक्सल या फिर कोई प्रॉपर्टी, कहीं भी जहां पैसे की लेन देन की काम करते हो आप, तो उस जॉब में आपको पैसों को लेके थोड़ी परेशानी हो सकता है। हो सकता है कि आपका मेहनत का पैसा आपको नहीं दिया जाए, या फिर आपने बहुत सारा मेहनत किया है, इसके कारण आप अभी थोड़ा कंजूसी दिखाओ। आपको ये लगे कि सेविंग्स करना चाहिए, मैंने बहुत खर्च कर लिया है, जॉब में आप बहुत ज़्यादा लग्जरी कर रहे थे, हो सकता है अपने लिए बहुत खर्च कर रहे थे, तो उसको आप सेविंग्स करना चाहोगे। और किसी किसी के लिए मुझे लगता है आपका पैसा कहीं अटक सकता है, रुक सकता है, आपने पैसा जो मांगा है या फिर जो आपको मिलनी चाहिए वो पैसा आपको हो सकता है ना मिले इन दिनों, आपको थोड़ी परेशानी देखनी पड़े। अभी देखते हैं जो जॉब बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, जो बिजनेस करते हैं वो थोड़ा दुखी रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, उनको हो सकता है कोई आपको थोड़ी सी परेशान करे, धोखा दे, झूठ बोले, तो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। बिजनेस के कारण आपका नींद हराम रहेगा, आप किसी से कुछ कहने की बजाय मुझे लगता है आप गॉड की शरण में जाओगे, आपको लगेगा अभी भगवान ही मेरे लिए कुछ कर सकता है, भगवान ही कर सकता है, इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की मानसिकता आपको रहेगी, आप थोड़ा दुखी रहोगे, थोड़ा परेशान रहोगे। अभी देखते हैं जो
सिंगल है, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, जो सिंगल है उनको अभी अपना जो पुराना जो पैटर्न था लाइफ का, रिश्ते का, अभी वो ख़त्म करके अपना लाइफ एक नए सर्कल में जाएगा। अभी आपका वक्त आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है। हो सकता है आपने पिछले दिनों बहुत परेशानी देखी हो रिश्ते को लेके, तो अभी आपका जो परेशानी है वो ख़त्म हो रहा है। अभी लक आपके साथ है, अभी आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि रिश्ते अगर आपके पास कोई आ रहा है तो वो आपके लिए लकी साबित होगा। अभी देखते हैं जो पहले से रिश्ते में है या फिर रिश्ते में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो रिश्ते में है उनका रिश्ता बहुत ही सही रहेगा, एक स्टैंडर्ड लेवल पे रहेगा। आप लोग रिश्ते को संभाल के रखोगे, पैसों को, घर को, रिश्ते में जो चीज़ ज़रूरी है सारी चीज़ों को आप लोग अपने मुताबिक चलाओगे। जो रिश्ते में है उनका रिश्ता जो है एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता रहेगा, और इनमें शिकायत करने की कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि जो लोग रिश्ते में हैं उनका कोई एक तो होगा जो रिश्ते को समेटना जानते हैं, घर को संभालना, रिश्ते को संभालना, पूरे घर का ख्याल रखना, रिश्ते के ख्याल रखना, पैसों को ख्याल रखना, कहाँ कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करना है उसकी नॉलेज रखना। तो जो लोग रिश्ते में हैं उनका रिश्ता बहुत ही सही तरह से चलेगा, रिश्ते में परेशानी नहीं रहेगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप किसी जो चीज़ को छोड़ के जाना चाहो तो जा सकते हो, बेशक जा सकते हो, लेकिन आपको अगर वो चीज़ परेशान कर रहा है तो आपको अगर लगता है कि मुझे इस चीज़ से थोड़ी देर के लिए बाहर रहना चाहिए, क्योंकि मेरी मेहनत, मेरी वफा, मेरा काम या लोगों को कोई लोगों की तरफ से, चाहे वो आपका परिवार हो, जॉब हो, बिजनेस हो, दोस्त हो, जिनके तरफ से आपको कोई सही परिणाम अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपको किसी चीज़ को छोड़ के जाना पड़े। तो अगर आपको लगे कि ये चीज़ हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, अभी हमको यहाँ से थोड़ी देर के लिए क्विट करना चाहिए, तो कर सकते हो, और चीज़ों को अपने माइंड के मुताबिक मत चलाइए। आप चीज़ों को सही तरह से ऑब्जर्व कीजिए। अगर छोड़ के जाना है तो ये भी सोचिएगा कि क्या इसको और एक दोबारा मौका दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि ये जो रिश्ता, जॉब, जो कुछ भी जिसके बारे में भी आपको लगेगा कि इसको छोड़ के जाना चाहिए, आप बेशक जा सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको उन चीज़ों को और एक बार सोचनी चाहिए और दोबारा से सोचना चाहिए, एक मौका देना भी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।